director for this movie, Mishra ji or Mr. Umesh Mishra and Mr. Dharmesh Pandit, जिनके वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ आज. I thank them very much and it's a very wonderful movie. I should tell all parents to see this. That's my message to everybody. And I thank my whole team, my musicians, my technicians, my singers for giving this lovely thing to me. Okay, being a music director of a children's film, काफी कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है. The lyrics must be very easy. It should be peppy as well, क्योंकि बच्चों को interesting लगना चाहिए. Very true. Yeah. So, what's your review about it? Really made it like. मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है बिकॉज दिस इज नॉट कमर्शियल, दिस इज अ वेरी चिल्ड्रन मूवी. तो उसमें क्या होता है कि यू हैव टू थिंक एवरीथिंग हैज़ टू बी डन एज पर द चिल्ड्रंस एटीट्यूड, नॉट एज पर द सीनियर एटीट्यूड ऑफ एनी यूथ. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ओके, हम मूवी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब इतना वेल आया है. यस. सो मतलब कितनी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि बच्चे भी अभी देखने आए हैं एंड बच्चे काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं. See, excitement, let them come till the end and that they will know, and I feel everybody will be happy when they leave the theatre. Okay, aur kuch kehna chahenge? Yes, it's a must watch movie for everybody from big to small. Okay, thank you so much. Yes sir, yes. Portion of this film, ek choti film banayi hai bachon ke upar, aur meri puri koshish hai ki बच्चे बहुत खुश इंजॉय करें, खुश होकर निकले. और दिस इज़ द एक्चुअली सब्जेक्ट, ये जो ये है, ये जो भी है, ये पेरेंटल प्रेशर पे सब्जेक्ट है. ये तो आजकल बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बनी हुई है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के बीच में. ये एक्चुअली सब्जेक्ट मोदी जी के पाठशाला के ऊपर आधारित है, उनसे उनके इंस्पिरेशंस वहीं से मिले हम लोगों को. मोदी जी की पाठशाला, साल में एक बार वो पाठशाला लगाते हैं बच्चों के लिए और उसमें काफ़ी बच्चे और वो आते हैं, अपना पेरेंट्स आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे एग्ज़ाम को एंजॉय करें, एग्ज़ाम के ऊपर प्रेशर नहीं है, वो पेरेंट्स को भी समझाते हैं और बच्चों को समझाते हैं और बच्चों को वो काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं कि एग्ज़ाम को एज ए फेस्टिवल लेना चाहिए, एग्ज़ाम को कभी प्रेशर लेकर एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए और सबको एग्ज़ाम को एंजॉय करना चाहिए. दिस इज अवर सब्जेक्ट और पूरी ईमानदारी से बोलता हूँ कि इस सब्जेक्ट को बनाने की कोशिश की है और अब कामयाबी तो आप सबके हाथ में है कि पिक्चर किस कैसे कामयाब होती है, क्या होती है. लेकिन बच्चे इतना ज़रूर है कि बच्चे इन्जॉय करेंगे इस फिल्म को और अच्छी तरह ये फिल्म बड़ी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनाई है. और ये संदेश मेरी कोशिश है कि ये संदेश हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए और मोदी जी का जो अपना ये प्रोत्साहित कर रहे हैं वो सब तक बच्चों तक पहुँचे. और बस यही है कि बाकी तो आप लोग हैं, देखिए फिल्म को कैसे एंजॉय करेंगे फिल्म आपको. उसके बाद दिल से खुल, देखिए ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब मीडिया के सामने ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत हमने बड़ी फिल्म बना दी, बहुत अच्छी फिल्म बना दी. इस मैंने अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है, बाकी आप लोग इसको कितना पास करते हैं, हमारे बच्चे कितना पास करते हैं, वो बच्चे भी आएंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा. ऑल ओवर इंडिया कितनी स्क्रीन पे रिलीज कर रहे हैं फिल्म? नहीं देखिए सर, क्या है कि पहले तो क्या है, ये फिल्म हमारी पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर फंड में जा रही है पिक्चर ये. और मेरी पूरी कोशिश है कि इस फिल्म का जो भी हमारी इनकम होगी, जो भी होगी, हम नहीं लेंगे, एक पैसा नहीं लेंगे. कि मैं वर्कर हूँ और वर्कर की तरह मैंने लाइफ में 62 फिल्में की हैं. आई वॉज एसोसिएट विद केसी बुकारिया, आई वॉज एसोसिएट विद टिप्स फिल्म इंडस्ट्रीज, जितनी फिल्में हैं, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जिसके साथ हमने काम नहीं किया हो, हमने फिल्में नहीं की हूँ. तो एक मौका मिला एक अच्छा सब्जेक्ट लेकर, और तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को वेलफेयर फंड में हम जितना दे सकें, जो भी इनकम आएगा हम बच्चों को वेलफेयर फंड में देंगे. और हमने इंडस्ट्री से बहुत पाया है, बहुत मिला है हमको, बाकी ये फिल्म उनको समर्पित है. थैंक यू. ले भैया किसका है? पहले तो फोन से ये महेश दवे साहब हैं, महेश चंद्र दवे जी हैं, ये अहमदाबाद से आए हुए हैं खासतौर से इस फिल्म को देखने के लिए. और हैप्पी चिल्ड्रन डे जो आज है उसको समर्पित कर रहा हूँ बच्चों को, इसके लिए खास तौर से आए हैं वहाँ से. बाकी तो आप कुछ बोलिए, तो क्या कहना चाहेंगे?
ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी, इंटरवल तक देखी मैंने। पिक्चर के अंदर सबसे बढ़िया ये है, ये लोग कहते हैं कि चिल्ड्रंस पिक्चर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एडल्ट को ही देखनी चाहिए। पेरेंट्स की फिल्म है। हाँ, पेरेंट्स की फिल्म है। लेकिन ये बहुत कॉमन है अपनी सोसाइटी में कि माँ बाप अपना जो अनफुलफिल्ड एम्बिशन है वो बच्चों में पूरा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत ही अच्छा मैसेज है। आई विश ऑल एक्सेलेंट सक्सेस फॉर दिस मूवी। सबने बहुत मेहनत की है और डेफिनेटली सक्सेस होगा। बच्चों से कोई पेरेंट्स ये नहीं पूछता कि आप क्या चाहते हैं। मोदी जी का यही कहना है कि पहले बच्चों से पूछो वो क्या करना चाहते हैं, फिर आप उनको प्रोत्साहित करो आगे बढ़ो। अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने पास एम्बिशन को उनके ऊपर क्यों थोपते हैं? तो दिस इज द सब्जेक्ट, पेरेंट्स का सब्जेक्ट है। क्यों देखा जाए, बच्चे तो बाद में, बच्चे तो अपने एंजॉय करते हैं, लाइफ कैसे भी करते आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हम बच्चों को इतना प्रेशराइज ना करें कि वो आगे चलकर हायर एजुकेशन में जाकर वो इतना डिप्रेस हो जाए कि सुसाइड करते हैं बच्चे। उनको रोकने हैं कि आप उनको बचपन से इतना उनको ऐसा उनकी ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा एजुकेशन दीजिए कि बच्चे आगे चलकर अपना खुद का एम्बिशन खुद तय करें, खुद का फ्यूचर खुद तय करें। दे आर फ्यूचर ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। बच्चे लोगों को पकड़।